बजाना चाहता हूँ। क्या हुआ अमन? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लगता है तेरे को जोर का झटका धीरे से लगा है। चल चल चल, अबे चलना। चौबीस घंटे हो गए तू राधा राधा जप रहा है, तेरे को क्या लगता है तेरी बात बन पाएगी? बनी नहीं है तो बन जाएगी, राधा ही मेरी नैया पार लगाएगी। अबे छोड़ दे राधा राधा जपना, मत देख राधा का सपना। सपना नहीं, राधा को बना लूंगा अपना। राधा को लेके इमोशनल हो गया है क्या? इमोशनल नहीं, प्रोफेशनल। अरे यार बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा रे। कौन है? क्या हुआ डैडी? अरे ये फोन कब से बज रहा है, उठा क्यों नहीं रहे? चक्कर ही कुछ ऐसा है बेटी। क्यों, फोन में से करंट आ रहा है? करंट नहीं, धमकियां आ रही है। धमकी? किसकी धमकी? अंडरवर्ल्ड ऑन चप 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 चप्पू भाई की। साला बुड्ढा उमेश जुमानी सिक्योरिटी क्यों रखता है? चिंजी भाग गई। तो क्या हो गया? नहीं, मत उठाना, मत उठा। हेलो राधा बेटी, आग लगा दो। मनु अंकल। डैडी, मनु अंकल का फोन है। मनु का? ये कहां से आ गया? बाय। आ रही हो तुम? अरे डैडी मैं जिम जा रही हूँ। अरे मुझे नहीं, इसको पकड़ यार, ये आया था राधा को मारने के लिए। मैंने तो इसको धक्का दिया है ताकि राधा की जान बच जाए। ये तू इकबाल? इसके सर पे तो बाल ही बाल है। इकबाल क्या? इकबाल यानी कि अंडरवर्ल्ड डॉन, चप्पू भाई का खतरनाक शूटर। चप्पू का भाई का अभी चप्पू का फोन आया, उसका शूटर भी आ गया। ले जाओ, ले जाओ यहाँ से, ले जाओ। इज्जत से, इज्जत से, चलो इज्जत से। काई की अरे ले जाओ, मारो, ले जाओ। ये छोड़, मैं छोड़, छोड़, छोड़। मैं तो सिंगर हूँ, अपकमिंग सिंगर मन कपूर। मैं किसी भाई का भी नहीं हूँ, मैं तो राधा का आदमी हूँ। मेरा मतलब है राधा मुझे जानती है। कैसी हो राधा? क्या नहीं, नहीं, ले जाओ। याद करो मुझे, मैं पार्टी में आया था, मेरे हाथ से दोस्त था, बड़ा दोस्त था। राधा पहचान मुझे, राधा मेरी बात सुनो। चलिए ना पापा, चलिए ना। चलो बेटा, चलो। इकबाल, तू तो जानता ना मैं तेरी गैंग में नहीं हूँ, किसी भाई का आदमी नहीं हूँ, तो फिर पुलिस वालों को बोलता कि नहीं? तो आज तक कोई पुलिस वाला अपन को हाथ तक नहीं लगाया, पन तेरी मचमच के कारण आज अपन इधर इधर लॉकअप में बैठेला है। तेरे को नहीं छोड़ेगा मैं, तेरे को नहीं छोड़ेगा मैं। तू तो अभी मरा, अभी अपन पुलिस वाले को बताएगा कि तू भी अपन के साथ है। पागल हो गया क्या? भाव भाव इकड़े, इकबाल मरवाएगा। मेरी बात सुन, देखा भी तू, देखा भी तू। भाव नहीं, भाव ये अपन को सुपारी दिया। अरे छोकरी के वास्ते, जब अपन छोकरी को मारने के वास्ते आए ना, तो ये भी अपन के पीछू पीछू आ गया। अपन छोकरी को देखा, अच्छा लगा, अपन सोचा छोकरी को नहीं मारेगा, तो ये अपन को मारने लगा। अखा प्लान इसी का था भाऊ, अखा प्लान। ए मरवाएगा, चुप करना, इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। बेटी नहीं, नहीं बेटी, क्या कर रही हो तुम? मैं हूँ डैड। डरने की कोई जरूरत नहीं है, कमिश्नर साहब से बात हो गई है, हमारे घर के चारों तरफ कमांडोज लगा दिए हैं उन्होंने, और वो चप्पू भाई का फोन आएगा ना। हाँ, मैं नहीं उठाऊंगी। नहीं नहीं, मैं उठाऊंगा, और अगर उसने पैसे की डिमांड की तो सारे पैसे उसे दे दूंगा। तुमसे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में और कोई नहीं है बेटी। वैसे भी आपके रहते हुए मुझे डरने की क्या जरूरत है? हाँ ये बात, क्या कहा तुमने? मेरे रहते हुए डरने, यानी मैं इतना डरावना हूँ? डैड। चलो बाबू सो जाओ, गो स्लीप 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 स्लीप।
But you're the best. I know. Okay. Good night, Dad. Good night, beta. अरे मुझे नहीं, इसको पकड़ यार। ये आया था राधा को मारने के लिए। छोड़ छोड़, मैं तो सिंगर हूँ, अपकमिंग सिंगर मान कपूर। मैं किसी भाई का भी नहीं हूँ, मैं तो राधा का आदमी हूँ। मेरा मतलब है, राधा मुझे जानती है। याद करो मुझे, मैं पार्टी में आया था, मेरे हाथ में गुलदस्ता था, बड़ा गुलदस्ता। राधा राधा पहचानो मुझे। हेलो राधा, मेरी बात सुनो। चल भाई मन कपूर, तेरी जमानत हो गई, बाहर आ जा। यू सीरियस? अरे राधा जी, आपने क्यों तकलीफ की? एक फोन कर दिया होता। आपका तो एक फोन ही काफी है हमारे लिए। जी, यहाँ का नंबर लीजिए। आ गए। चश्मा। हाय, मैं राधा। आधा? आधा नहीं, मेरा नाम राधा है। नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे सिर्फ आधा दिख रहा है। वैसे सॉरी, मैंने तुम्हें उस दिन पहचाना नहीं। मुझे देर से याद आई थी कि मैंने तुम्हें उस पार्टी में देखा था। अच्छा है तुम्हें याद आ गया, नहीं तो मुझे ये आधा भी नहीं दिखाई देता। इट्स ओके, चलें? चलो। ओके सर, मैं चलती। चलता हूँ सर। कोई बात नहीं, दोबारा मत मिलना। कम, बाय बाय, लेट्स गो। चलो। क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं करूं? नहीं करो ना, बहुत अच्छा लगता है। तो तुम सिंगर हो? अच्छी बात है। सिंगिंग के अलावा क्या करते हो? क्या? अरे खड़ा करवाएगी। तुम्हारा नाम? क्यों? जब से मैं तुम्हें मिला हूं ना, तुम्हारी याद बहुत आती है। पर मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तो मेरी याद क्यों आती है? वो तो आप खड़ी हो ना, वो तो रोज आ जाती है। कौन? तुम्हारी याद। तुम्हें मेरी याद इतनी क्यों आती है? मिलेगी तो पूछ लूंगा। किससे? यार आजकल अपना दोस्त मन नहीं दिखाई देता यार। अरे गया हुआ किसी म्यूजिक कंपनी में, म्यूजिक डायरेक्टर के पास। आखिर उसको भी तो ब्रेक की जरूरत है। क्या नाम बता? डैडी, इसका नाम मन है। मन है? नहीं नहीं, ये कहो कि बड़े घर की लड़कियों को पटाना इसका फन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है डैडी। ऐसा बिल्कुल नहीं है डैडी। अबे डैडी, तेरा बाप, मैं कब से हो गया तेरा डैडी? डैडी ये बहुत अच्छा गाता है। ये कहो बेटा कि ये तुम्हें बनाता बहुत अच्छा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओ भैया, तुम चाहते क्या हो? राधा। क्या मतलब? मन मुझे बहुत पसंद है डैडी, मैं इसे शादी करना चाहती हूँ। ये शादी नहीं हो सकती। राधा, क्यों आ रही है बाधा? एक मिनट डैडी, मुझे मालूम था आप वो सब भूल जाएंगे। क्या बेटी, मैं क्या भूल गया? वही जो हर कंगाल आदमी अमीर बनने के बाद भूलता है, कि आप धोबी हुआ करते थे। धोबी? हाँ, याद नहीं आपको, जब आप मुंबई आए थे, एक टूटी फूटी सड़ी साइकिल पर कपड़ों की गठरी लादकर स्ट्रगल किया करते थे। और ये भूल गए जब आप मेरी नानी के पास गए थे मेरी मम्मी का हाथ मांगने, तो आप 6.60 रुपए मीटर का कुर्ता पहन कर गए थे। और मन की हालत तो फिर भी अच्छी है आपसे, कंपेयर कीजिए ना। इसकी तकदीर भी बदल सकती है ना डैडी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटी याद आ गया, तुमने जो कुछ भी बताया मुझे याद आ गया। तुम्हारी खुशी में तो मेरी खुशी है। शुक्र है बुड्ढा जल्दी मान गया। तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं, की डैडी जल्दी मान गए। नहीं नहीं, मैंने बुड्ढे जैसा कुछ सुना। डैडी। ओके ओके बेटा, एक सवाल पूछ सकता हूँ? हमारी बेटी को खुश रखोगे ना? मैं राधा को बहुत खुश रखूंगा। राधा को खुश रखना ही मेरी जिंदगी का मकसद होगा। मकसद मकसद हो गया।